सदगुरु दिलीप सिंह जी की प्रेरणा से नामधारी सदगुरु राम सिंह जी का जो प्रकाश पर्व है जो बसंत पंचमी को हुआ था वो आयोजन धूमधाम से कर रहे हैं क्यों, और इस धरती पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे पूजनीय हैं। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम हजारों की संख्या में पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, सब जगह से संगत आई हुई है, हिमाचल मंडी से भी आई हुई है, तो हम हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे। नामधारी साधु संत, नामधारी संतों का यहाँ पे लंगर चल रहा है, इसके बारे में? लंगर तो सदगुरु नानक देव जी ने जो प्रथा शुरू की थी वो निरंतर चल रही है, और हमारे वर्तमान नामधारी सदगुरु दिलीप सिंह जी का कहना है कि लंगर की व्यवस्था यहाँ पर हमने जरूर सेवा करनी है, और ये सेवा भाव से हमने यहाँ पर लंगर स्थापित किया है, और ये लंगर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले का आयोजन जो है हवन करके शुरू किया गया है। और आज हम जो सदगुरु राम सिंह जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, सदगुरु राम सिंह जी ने समाज को कुकर्मों से, व्यसनों से दूर करने के लिए 1857 में खालसा पंथ की पुनर्साधना की थी, और सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने बड़े नए परिवर्तन लाए और समाज में नए परिवर्तन लागू किए। जैसे विश्व में सबसे पहले बाल जो विवाह होते थे उसे बंद करवाया, और शादी की जो नियत सीमा थी, आयु सीमा 18 वर्ष, वो नियत थी, और सादे सस्ते अंतर जातीय विवाह करके दाज दहेज प्रथा की लानत को खत्म किया, और समाज में जो सख्ती से उन्होंने लड़कियों को बेचना और मारना बंद करवाया, तो और बट्टे के विवाह जो होते थे लड़कियों को लेना देना, ये भी प्रथा उन्होंने बंद करवाई, और भी बड़े सारे उपकार किए। जैसे उन्होंने अमृत पान सर्वप्रथम सिख पंथ में 1863 में, जून 1863 ईस्वी में उन्होंने स्त्रियों को अमृत पान करवाया, और स्त्रियों सबसे पहले गुरवाणी से लावा पढ़ के अनंत कारज की प्रथा भी 6 जून को आरंभ की गई, और स्त्री जाति को ऊंचा स्थान देने के लिए उन्होंने माता रुक्मी जी को सूबा का स्थान दिया, और वो स्त्रियों के मुक्तिदाता कहलाते हैं।